आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए स्पेशल, और साथ ही साथ आप इसे बिहार दरोगा के लिए भी ले सकते हैं, बीपीएससी के लिए भी ले सकते हैं, जहाँ भी हिस्ट्री पूछी जाती है वन डे एग्जाम में, आप उन सभी के लिए इसको पढ़ सकते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास का पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में हम इसको देखने वाले हैं, और पूरा का पूरा एक मैराथन में पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग खत्म करने वाले हैं। इसके बाद जो है प्राचीन इतिहास भी देखेंगे, इसके बाद आधुनिक इतिहास को भी हम लोग देखेंगे, बस सिंगल एक वीडियो के अंदर पूरा मैराथन के द्वारा सब खत्म कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, तो आप क्या करिए, सब्जेक्ट वाइज जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिए। इससे क्या होगा कि आपका अगर बेसिक कमज़ोर भी है तो आप सारे सब्जेक्ट को बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में उसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, इस मैराथन का पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, टेलीग्राम पे आना पड़ेगा। दोनों का मैंने क्या कर दिया है, आईडी दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पे जाइए, उसको आराम से उस आईडी को सर्च करिए, और उसके बाद हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अरब आक्रमण से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा गलत कथन है, तो भारत पर अरब आक्रमण से इस्लाम और ईसाई दोनों धर्म का प्रभाव बढ़ा था, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है आपका। बाकी सारे के सारे सही हैं। 1712 ईस्वी में एमबीके मतलब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर प्रथम आक्रमण होता है। उसके बाद है अरब आक्रमण के काल में सिंध का शासक हिंदू राजा दाहिर था, ये भी सही है। और भारत पर अरब आक्रमण का उद्देश्य सिर्फ लूटपाट मचाना था और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गजनवी की आक्रमण की स्थापना किसने किया था, गजनवी आक्रमण की स्थापना ये कह रहा कि किसने किया हुआ था। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये किया हुआ था अल्पतगीन ने, कितने में, तो 932 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शाही वंश का शासक कौन था, तो पंजाब का शाही वंश का शासक था जयपाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको। तो पहला ऑप्शन है आपके पास कि सुबुक्तगीन अल्पतगीन का दामाद था जो कि 1977 में गजनी के गद्दी पर बैठा, तो ये वाला कथन तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था जिनका जन्म 1 नवंबर 1971 में हुआ, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तीसरा स्टेटमेंट सुबुक्तगीन के शासनकाल में महमूद गजनी खुरासन का शासक बना, तो ये भी सही है। चौथा है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये भी सही है। उसके बाद है महमूद का सर्वाधिक विध्वंसकारी आक्रमण 1025 का सोमनाथ मंदिर पर था, नहीं था वो। और 1025 में जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था वो उद्देश्य था क्या, वहाँ पे धन संपत्ति को लूटना। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1, 3 और जो 4 हैं ये सही हैं, और 2 और 5 गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है महमूद मंदिर लूट की वापसी के क्रम में किसने उस पर हमला कर कुछ धन लूट लिया था, तो चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी जाटों ने महमूद पर आक्रमण करके क्या किया था, कुछ धन संपदा को लूट लिया था। आपको बताना है कि सोमनाथ मंदिर है वो किस राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर का आधुनिक काल में प्रथम प्राण प्रतिष्ठा किसने किया हुआ था, तो ये किया हुआ था राजेंद्र प्रसाद ने जो कि 11 मई 1951 में हुआ। तो उसके बाद है महमूद गजनी से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं गलत कथन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए महमूद गजनी ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, ये सही है। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 में गद्दी पर बैठा, ये भी सही है। और इसने सोमनाथ आक्रमण से महमूद को 10-20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी इससे, तो ये भी सही। यहाँ पे कोई भी कथन गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है मोहम्मद गौरी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि महमूद गजनी के अंतर्गत एक छोटा राज्य था, उसका नाम था गौर, और यहीं की गद्दी पर 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी बैठा था, तो ये जो कथन है ये सही है। उसके बाद जो दूसरा कथन ये कह रहा है कि भारत पर आक्रमण 1175 में किया और 1170 में द्वितीय आक्रमण में पाटन जो कि गुजरात में है वहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौर को पराजित किया था, तो ये भी कथन सही है। इसके बाद है मोहम्मद गौरी ने अपने विजय से समूचे भारत को रौंद डाला था, तो ये जो कथन है ना ये गलत है। इसके बाद है भारत वापसी पर उसने अपने विदित प्रदेशों को अपने सेनापति को सौंप दिया था, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद पांचवा स्टेटमेंट है कि 1200 माफ करिएगा 1206 को उसकी हत्या कर दी गई थी,
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला कथन, दूसरा कथन, उसके बाद चौथा कथन, पांचवा कथन, ये सही है, जबकि आपका जो तीसरा कथन है वो गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। गुलाम वंश से संबंधित कथन पर विचार करिए, तो चलिए देखते हैं इसको। तो पहला कथन है आपके सामने, ये कह रहे गुलाम वंश के संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन है, जो कि 1286 में किया, तो ये सही कथन है। उसके बाद है गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, ये भी सही है। अगला कह रहे कि कुतुबुद्दीन ने अपना राज्य यानी अपना राज्याभिषेक 1206 को किया हुआ था, तो ये भी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया हुआ था, ये भी सवाल पूछा जाता है और ये भी सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, और जिसको पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो ये सारे के सारे कथन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार की सिर्फ पहली मंजिल बनी थी, बिल्कुल सही बात है। इल्तुतमिश ने इसको 225 फीट कर 4 मंजिला बना दिया था, जहाँ पे काम पूरा होता है। इसके बाद हम फिरोज तुगलक के कालखंड में इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, जो कि फिर से इसका क्या होता है, पुनर्निर्माण कराने का काम शुरू हो जाता है। फिरोज तुगलक ने अन्य 2 मंजिल बनवा दिया, और अब यह 5 मंजिल हैं, इसकी ऊंचाई अब 234 मीटर हो जाती हैं, तो ये भी कथन सही है। आला देखते हैं ये कह रहा है कि कौन से सही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे के सारे जो स्टेटमेंट है ना वो सही है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया हुआ था, तो ये किया हुआ था बख्तियार खिलजी ने, जो कि 1202 ईस्वी के आसपास इतने ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद है ऐबक की मृत्यु किस वर्ष चौगान खेलते हुए हुई थी, ये पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है, तो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर के हो जाता है, तो किस वर्ष हुई थी, तो ये हुआ था 1210 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इल्तुतमिश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, तो चलिए इसके कथन को देखते। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ये सही है। इल्तुतमिश तुर्किस्तान की इलवरी तुर्क वंश से था, तो ये भी सही है। उसके बाद है यह ऐबक का दामाद एवं ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला देखते हैं, आगे कह रहे कि इल्तुतमिश राजधानी परिवर्तित कर लाहौर से दिल्ली लाया था, तो ये भी कथन सही है। उसके बाद है 1229 में बगदाद के खलीफा ने इसके पद को वैधानिकता प्रदान की, तो ये सारे के सारे कथन देखेंगे ना तो आप सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे कह रहे इल्तुतमिश वंश से संबंधित गलत पर विचार करना है, जो गलत कथन है उस पर विचार करना है। तो देखिए यहाँ पे जो गलत कथन है ना, ये है आपका शाह तुर्क ने अपने नाम का सिक्का चलवाया था, ये कथन गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, तो ये पूछ रहा है, जबकि शुरू किसने करवाया था, तो ये शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है रजिया सुल्तान से संबंधित कथन के बारे में देखना है, ठीक है। तो पहला कथन है आपके सामने कि रजिया प्रथम मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी, बिल्कुल सही है, और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस लाइन से बहुत बार। वह चौंगा और कुलाह दोनों को त्यागा और दरबार में खुले मुंह जाती थी, तो ये भी सही है। इसके बाद है रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आरकर के पद पर बिठाया, ये भी सही है। उसके बाद है रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई, ये भी सही है। उसके बाद है रजिया की हत्या 1240 में कैथल में कर दी गई थी डाकुओं के द्वारा, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है ना ये बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बलवन से संबंधित कथन पर विचार करना है, तो कैसा कथन, तो गलत कथन, तो आप देखेंगे कि बलवन यहाँ क्या है ऑप्शन नंबर डी को देखिए, तो 1267 में बलवन दिल्ली की गद्दी पर बैठा, नहीं 1267 में नहीं बैठा था, ये 1266 में बैठा था, तो यही जो है क्या है गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बलबन किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो बलबन जो है 1266 ईस्वी में बैठता है और 1286 तक लगभग बैठता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद है राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रारंभ किसने किया हुआ था, तो ये सैबोस को ना पैबोस कर लेना, गलत प्रिंट हो गया, तो ये किसने प्रारंभ किया हुआ था, तो ये किया हुआ था बलबन ने, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बलबन से संबंधित गलत कथन को छांटना है,
तो कौन सा गलत है? तो ये बलवन ने फारस पर आक्रमण किया, ये कथन गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलजी वंश का कार्यकाल कितना रहा था? तो खिलजी वंश का कार्यकाल रहा था 1290 से लेकर 1320 तक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला, गुलाम वंश को समाप्त कर जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना किया, इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो इसकी राजधानी रही थी किलाखोरी में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, किलोखरीब है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो गलत कथन कौन सा है भाई? तो गलत कथन देखते हैं, 1296 को यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा या शासक बना, तो ये कथन सही है। इसके बचपन का नाम जो है अली, या इसी को गुरसाप्य कहते हैं, ये भी सही है। इसने सेना को नकद वेतन देना और स्थायी सेना रखना प्रारंभ कर दिया, ये भी सही है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। घोड़ा दागने का प्रथा तथा सैनिकों की होलियाँ लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया? तो वही अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो अभी देख रहे हैं मध्यकालीन भारत, आपसे एक एक क्वेश्चन जो है ना बन जाएंगे, चाहे आप किसी भी पेपर को दीजिए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको मध्यकालीन भारत अभी करा रहा हूँ, तो इसके बाद प्राचीन भारत भी करा दूंगा, और आपको साथ ही साथ मैं आधुनिक भारत भी करा दूंगा। फिर आपके लिए मैं ज्योग्राफी भी करा दूंगा ज्ञान बिंदु सर का, और साइंस का पीडीएफ अगर आप में से किसी के पास है तो मुझे प्रोवाइड करा दीजिए, मैं उसे भी करा दूंगा। और आपका डिमांड था मैथ, तो मैथ भी करा दूंगा। सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट जितना ज़्यादा करेंगे मैं आपके लिए उतना ही ज़्यादा मेहनत करता रहूँगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय पर किस सेनापति को लगाया हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहाँ पे दक्षिण भारत में विजय के लिए भेजा गया था मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण नहीं कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण कराया, सीटी का किला, अलाई दरवाज़ा, लेकिन ये नौलखा माल इसका निर्माण नहीं कराया। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हजार खंबा का महल का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया हुआ है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है सुमेलित, जो नहीं है, जो गलत है उसको छांटना है। तो गलत जो है ये है आपका परवाना नवीस, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है, बाकी क्या है सही है। खिलजी काल में परवाना नवीन का कार्य क्या था? तो इसका जो कार्य था वो था नमक अधिकारी था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश से संबंधित कथन पर विचार करिए। पहला कथन आपके सामने दे रखा है कि मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, जिसको सेंसर बोलते थे उस समय, और नाजिर मापतौल का अधिकारी को की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये बहुत बड़ी भूमिका थी। उसके बाद है, खिलजी ने चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया, तो ये भी सही था। गढ़ी घरों एवं झोपड़ी पर कर लगाया, तो ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी को 5 फरवरी 1316 को मृत्यु हो गई थी, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सारे के सारे जो कथन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का शासक जिसने खलीफा की उपाधि को धारण किया हुआ था? तो ये किया हुआ था मुबारक खान ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश का आखिरी शासक मुबारक खान खिलजी की हत्या उसके वजीर ने की थी, उसका नाम क्या था? उस वजीर का नाम क्या था ये पूछ रहा है। तो ये था खुसरो खां, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है, खुसरो खां ने किसकी उपाधि धारण किया हुआ था? तो खुसरो खां ने जो है पैगंबर का सेनापति का उपाधि धारण किया हुआ था। इसके बाद है, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित गलत सुमेल कौन सा है? तो गलत सुमेल यहाँ पे जो है आपका खलीफा पद को चुनौती, ये कथन जो है गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। आप क्या करिए कि गूगल कर लिया करिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी में कर रहा हूँ, इसी कारण मैं आपको राइट नहीं बता पा रहा हूँ, इसलिए बस क्या कर रहा हूँ मैं आंसर आपको बता पा रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत में सिंचाई प्रबंध के लिए नहरों का निर्माण किसने किया था? तो ये किसने किया हुआ था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया हुआ था। अपने शासनकाल में इसने सिंचाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ था। 1325 में दिल्ली की गद्दी पर उलूग या जौना खां के नाम से कौन बैठा? तो जौना खां के नाम से बैठा हुआ था MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित किया हुआ था? तो दिल्ली से इसने क्या किया हुआ था कि राजधानी को दौलताबाद में कन्वर्ट कर दिया था। अगला है, कथन दे रखा है इवन बतूता से संबंधित, तो इसको देखते हैं। पहला कथन है कि
अफ्रीकी यात्री इवन बतूता 1333 ईस्वी में भारत की यात्रा पे आया, ये सही है। उसके बाद है तुगलक ने इसको दिल्ली की काजी नियुक्त किया हुआ था, तो ये भी सही है। उसके बाद है 1342 में सुल्तान ने इसको अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था, तो ये भी कथन सही है। अगला कह रहा है इसके अनुसार दिल्ली सल्तनत के काल में सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति चाहिए होती थी, तो ये सारे के सारे जो कथन है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया था एवं इस पुस्तक का नाम क्या था, तो इस पुस्तक का नाम था जिया नक्शबंदी तूतीनामा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को बुलाकर किसने संभावित किया था, तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा के निकट गोडाल में किस वर्ष हुई थी, तो इसकी मृत्यु होती है 1351 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने निम्नलिखित मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस वर्ष दक्षिण में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किया हुआ था, तो विजयनगर की स्थापना जो किया गया था वो किया गया था 1336 ईस्वी में। ये पूछा जाता है कि किन दो भाइयों ने किया हुआ था, तो यहाँ पे पता चल गया हरिहर एवं बुक्का, तो राइट आंसर हो गया। इसके बाद है महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस वर्ष स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना किया हुआ था, तो बहमनी राज्य की स्थापना होती है ये है आपका 1347 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कथन दे रखा है, कथन है फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के निकट होता है 1351 में। उसके बाद है इसको खलीफा के तरफ से अमीर उल मोमसिन की उपाधि दी गई, तो ये भी सही है। इसके बाद है राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह ने 24 करों को समाप्त कर सिर्फ 4 कर लगाए थे, तो ये सही है तीनों के तीनों कथन। और इनके करों में खुम्स खराज जजिया जकात था, इन चारों करों को निर्दयता से वसूला जाता, तो यहाँ पे सारे के सारे कथन है। यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से सेट किए गए हैं कि आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा का पूरा जो है थ्योरी भी क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि फिरोज शाह से संबंधित कथन गलत कथन जो है उस पर विचार करना है, तो ये कथन जो है फिरोज शाह क्रूर शासक था, तो ये कथन गलत हैं, ठीक है। बाकी सारे के सारे कथन सही है। उसने क्या किया, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, प्रथम मुस्लिम शासक था, उसके बाद सिंचाई पर कर लगाया जिससे कि वो क्या करता था 1/10 भाग वसूलता था। और फिरोज शाह ने क्या किया, तो खिजराबाद से टोपरा और मेरठ से अशोक के दो स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया, ये भी कथन पूछा जाता है बहुत बार। अनाथ मुस्लिम महिला विधवा महिलाओं की सहायता के लिए फिरोज ने किस भाग की स्थापना किया हुआ था, तो इन्होंने जो है दीवान एक खैरात के नाम से स्थापना किया हुआ था। कैसे याद रखेगा, तो आप बोलते हैं ना खैरात में थोड़ी ना आया है जो हम दे देंगे तुम्हें, खैरात में आने का मतलब क्या है, फोकट में फ्री में, तो खैरात यहाँ किससे संबंधित हो गया, तो आपका हो गया अनाथ मुस्लिम महिला विधवा महिलाओं की सहायता के लिए विभाग। इसके बाद है दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने किस विभाग की स्थापना की हुई थी, तो इसके लिए इसने किया हुआ था दीवान बगैरत की, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पे विचार करिए, तो गलत कथन है कौन सा, तो फिरोज शाह ने तांबे व सोने से निर्मित सिक्के चलवाए, ये कथन गलत है, ठीक है। बाकी सारे के सारे यहाँ पे कथन क्या हैं, सही हैं। उसके बाद है तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन था, तो तुगलक वंश का आखिरी शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन नंबर सी बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1398 में नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय किस सुल्तान ने आक्रमण किया था, तो ये आक्रमण किया था तैमूर लंग ने, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नासिरुद्दीन मोहम्मद महमूद तुगलक के काल में ही मलिक सरवर नामक एक हिंजड़ा ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया हुआ था, ये कहाँ पे किया हुआ था, तो ये किया था जौनपुर में, जौनपुर वर्तमान में कहाँ है आप कमेंट करिएगा। इसके बाद है सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो ये तो आपको पता होगा, और सैयद वंश का संस्थापक था आपका खिजर खां, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। खिजर खां से संबंधित कथन दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है खिजर खां तैमूर लंग का सेनापति था। उसके बाद है खिजर खां ही भारत में तुगलक वंश का संस्थापक था। और उसके बाद है खिजर खान ने मुबारक शाह की उपाधि धारण किया हुआ था, और इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही से सैयद वंश की जानकारी प्राप्त होती है। काम करिएगा यहाँ पे जो है ना, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है खिजर खान ही भारत में तुगलक वंश का संस्थापक था, क्या ये कथन सही है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है आपका सारे के सारे सही दे रखा है, तो हमें इसके बारे में बताइए क्या ये सही है या नहीं है।
चलिए अगला देखते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह किस वंश का आखिरी शासक था? तो ये था आपका सैयद वंश का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका बकलोल लोदी, यानी बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सिकंदर लोदी से संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो ये कथन कौन सा है? तो दिल्ली को राजधानी बनाया, तो ये गलत है। अच्छा, आपको बताना है कि सिकंदर लोदी ने राजधानी कहाँ पर बनाया हुआ था। शायद इसने आगरा राजधानी बसाया हुआ था। आप कमेंट करिए क्या सही हूँ। इसके बाद है सिकंदर लोदी ने किस मंदिर को तोड़कर उसके अवशेष के टुकड़े को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया हुआ था? तो बड़ा ही क्रूर शासक है भाई। तो ये आंसर की बात करूँ तो यह आपका ज्वालामुखी मंदिर, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी राइट हो गया। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था से संबंधित कथन दे रखा है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे जो कथन देख रहे हैं सारे के सारे कथन जो है सही दे रखा है। केंद्रीय शासन का मुखिया सुल्तान होता था, बलवन एवं अलाउद्दीन के समय दिल्ली के अमीर प्रभावहीन हो गए थे। सल्तनत कालीन में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था, मजलिस ए खलवत में मजलिस खलवत की बैठक होती थी। तो यहाँ पे सारे कथन सही दे रखा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कर्ण है, तो यहाँ पे जो गलत दे रखा है ये आपका वारी दे मुमालिक जो कि सेनापति से संबंधित होता था, ये आपको गलत दे रखा है। तो हमें कमेंट करिएगा कि वारी दे मुमालिक किससे संबंधित है। अगला देखिए फिर से हमें क्या चुनना है, तो गलत वाले को चुनना है, ठीक है? तो चलिए, तो गलत वाला यहाँ पे कौन सा है? तो आरिज ए मुमालिक जो कि सैन्य विभाग दे रखा है, सैन्य प्रमुख दे रखा है, जो कि गलत है। तो राइट वाला हमें आपको बताना है, ठीक है? मैं वेट करूँगा कमेंट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत कालीन अधिकारी आरिज ए मुमालिक क्या था, इसका काम क्या था, ये पूछ रहा है। तो इसका जो काम था वो था गुप्तचर का प्रमुख था, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो 61 क्वेश्चन नंबर का आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं। सदर कौन था? तो यहाँ पे बात करूँ सदर कौन था, तो सदर जो है न्याय प्रमुख था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे गलत सुमेलित वाले को चुनना है, तो गलत सुमेलित कौन सा है भाई? तो ये है आपका दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात का विभाग ये कह रहे कि मोहम्मद तुगलक का विभाग था, नहीं ये गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किससे संबंधित था, महिलाओं से, विधवा महिलाओं से, उनसे संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, तो इसके संस्थापक हैं और विभाग दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ गलत कौन सा है इसको चुनना है, तो दीवान ए अर्ज ये मोहम्मद बिन तुगलक के इसके संस्थापक यानी इसका निर्माण करता है, ये गलत है। आप कमेंट करिए कि दीवान ए अर्ज को किसने स्थापित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है टैक्स दे रखा है और उससे यहाँ पे मेल करना है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जकात ये गैर मुस्लिम पर आर्थिक कर, ये कथन गलत है। बाकी सारे के सारे खराज हो गया, गैर मुस्लिम से जजिया हो गया, हिंदू से वसूला जाता था धार्मिक कर, और उसके बाद उस्र हो गया ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जजिया कितना प्रतिशत वसूला जाता था, तो जजिया जो वसूला जाता था ये संपत्ति का 40वां हिस्सा वसूला जाता था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गलत को छांटिए, अमीर ए सदात 100 गांवों की शासन की देखरेख करता था, सुल्तान की स्थायी सेना को खास खौल कहा जाता था, अलाउद्दीन ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया, ये सारे के सारे सही है, गलत कथन यहाँ पे है ही नहीं। अगला है दिल्ली सल्तनत से संबंधित कथन कौन सा गलत है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्रत्येक शहर का एक पटवारी होता था, ये ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है। बाकी सारे के सारे सही है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उस समय ग्राम होता था, ग्राम में सबसे प्रभावी लोग खुद कहलाते थे और मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पे गलत कौन सा है, तो यहाँ पे गलत है बनारस जो कि साड़ियों के लिए फेमस था, ये अभी है फेमस लेकिन उस टाइम बनारस साड़ियों के लिए फेमस नहीं था, तो ये वाला कथन क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत काल में बनारस किस वस्तु उत्पादन के लिए फेमस था, तो उस समय जो है ये सोना चांदी और जड़ी के काम के लिए फेमस था। अभी तो आप सुनते होंगे बनारसी साड़ी के रूप में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, हाँ ये अभी है। एकता प्रथा को दोबारा किसने शुरू किया था, तो इसको किया था फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा से शुरू, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है दिल्ली सल्तनत काल में अच्छे किस्म के घोड़े तुर्क अरब वो रूस से आते थे, हाथी कहाँ से आते थे, तो हाथी जो है उस समय आया करता था कहाँ से, तो बंगाल से आया करता था। अगला क्वेश्चन पुस्तक दे रखा है और उसका रचनाकार दे रखा है, तो बोल रहा है कि गलत कौन सा ये बताना है,
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि मनुचरितम है, ये गलत दे रखा है। बाकी सारे के सारे आमुक्त माल्यदा, ये आपका कृष्णदेव राय के द्वारा बहुत फेमस पुस्तक है और एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आपका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप देख लीजिएगा कि मनुचरितम के लेखक कौन है, शायद मनु ही हैं। आप बताइए कमेंट करके क्या मनु है। अगला है सल्तनतकालीन प्रशासन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सल्तनतकालीन शरीयत कानून हदीस पर आधारित था, तो ये तो कथन आपका सही है। दूसरा कथन है सल्तनतकालीन कानून के प्रमुख चार स्रोत थे कानून हदीस इजमा कयास, ये वाला कथन गलत है। पूर्णतः केंद्र आधारित भूमि को मतला भूमि कहा जाता था, तो ये भी सही है। लगान निर्धारित करने वाली मिश्रित प्रणाली मुक्ता ही कहलाता था, और मुद्रा व्यवस्था में चांदी के टांके और तांबे का दिरहम होता था, तो ये भी सही है। तो आप देखेंगे तो 1, 3, 4, 5 ये सही है, बाकी ऑप्शन नंबर बाकी दो वाला जो कथन है वो गलत है। तो ऐसा कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। हरिहर और बुक्का 1326 में विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद से किया हुआ था, तो ये किया हुआ था विद्यारण्य संत। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए राइट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी हुआ करता था हम्पी, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की वंश प्रणाली, तो विजयनगर साम्राज्य के ऊपर 4 वंशों ने शासक किया हुआ था, तो वो कौन कौन सा है, तो ये आपका संगम, सुलुभ, तुलुभ, अरावीडु। सबसे अंतिम वंश कौन सा था, तो अरावीडु वंश था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, आप इस क्रम को याद रख लीजिएगा, संगम, सुलुभ, तुलुभ, अरावीडु, ठीक है। अला देखते हैं गलत को छांटना है, तो गलत है यहाँ पे कौन सा, तो धूर्जति कलहस्ती महात्म, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं संगम काल से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे चलिए गलत कथन देखते हैं। हरिहर बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया हुआ था, ये सही है कथन। अगला है हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, सही है। देवराय प्रथम के दरबार में इटली का यात्री निकोलो कांटी आया हुआ था, तो ये कहाँ पे, ये आपका इस कथन से क्वेश्चन बनता है, क्या निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था, तो ये आया था देवराय प्रथम के दरबार में, तो ये सही कथन है। इसके बाद हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के नाम पे जंगम वंश की स्थापना की, ऐसा तो कोई वंश ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं देवराय द्वितीय से गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन जो है आपका ये इसने जगत गुरु की उपाधि धारण की, नहीं इसने नहीं किया हुआ था, तो सी वाला आपका गलत है। देवराय द्वितीय की उपाधि धारण क्या था, तो देवराय द्वितीय ने जो उपाधि धारण किया हुआ था ये था आपका जब गेटकर किया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। महानाटक सुधा निधि संस्कृत पुस्तक तथा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किस शासक के द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था देवराय द्वितीय के द्वारा। उसके बाद है तुलो वंश जो कि 1505 से 1565 तक चला, तो इसके बारे में कथन बताना है कि क्या है, तो इसके बारे में कथन की बात करूं तो यहाँ पे सारे के सारे जो कथन है ना वो सारे के सारे कथन सही हैं। तुलु वंश की स्थापना जो है नरसिंह ने की थी, तुलु वंश एक महान शासक कृष्णदेव राय 8 अगस्त 1509 में गद्दी पर बैठा। इसके बाद हैं बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना था, ये भी सही है। पुर्तगाली यात्री डेमी गोयपायस इसके दरबार में ही आया था, ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है सारे के सारे कथन सही हैं, और इसके दरबार में जो है अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, ये भी सही है। गलत कथन को छांटिए, चलिए गलत कथन कौन सा है, तो इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य में नंदिनीगढ़ लिपि का प्रयोग होता था, और कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जामवंती कल्याणम एवं उषा परिणय की स्थापना किया हुआ था। कृष्णदेव राय की तेलुगु रचना आमुक्त माल्यद है, ये भी सही है। सारे के सारे सही हैं, गलत यहाँ पे है ही नहीं। कृष्णदेव राय के स्थापत्य निर्माण से संबंधित गलत पर विचार करिए, तो इसमें गलत कोई सा भी नहीं है। विट्ठल स्वामी का निर्माण, उसके बाद चिदंबरम मंदिर आरंभ में, पार्वती मंदिर कांचीपुरम में, तो ये सारे के सारे सही हैं, गलत कोई सा नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृष्णदेव राय का निर्माण नहीं है, तो कृष्णदेव राय का निर्माण कौन सा नहीं है, तो वरदराज मंदिर बिल्कुल सही है, पार्वती मंदिर और एकम्बरम नाथ मंदिर, ये भी सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा युद्ध से संबंधित कथन कौन सा सही है या इसके बारे में बताना है। यह युद्ध 1565 में हुआ, बहुत बार पूछा जाता है। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद संयुक्त मोर्चा, जिसमें कि 4 राज्य थे, इसका नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया हुआ था। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया था। ये सारे के सारे कथन यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अरावीडू वंश जो कि 1570 से 1562 तक चला, तो गलत कथन इसमें कौन सा है, तो यहाँ पे जो गलत कथन है यहाँ पे है ही नहीं। इस वंश की स्थापना तिरुमल ने किया था। तिरुमल ने सदाशिव को हटाकर पेनुनगोंडा में किया था। इसके बाद है अरावीडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था और यह विजयनगर का चौथा वंश था। ये भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90, यहाँ पे गलत कथन कौन सा है इसको छांटना है, तो गलत जो दे रखा है आपका ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। बारबोसा जो कि 1517 और पुर्तगाल जो कि कृष्णदेव राय के शासक थे, तो यहाँ पे जो है आपका बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल रज्जाक 1442 में भारत आया देवराय द्वितीय के काल में, वह किस देश का था। तो अब्दुल रज्जाक के बारे में पूछ रहा है कि ये किस देश का था, तो अब्दुल रज्जाक जो था वो फारस से था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। तो गलत कथन को छांटना है, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व से संबंधित, तो यहाँ पे जो गलत कथन है वो दे रखा है आपका कौन सा, कुटग्गी के बारे में। ये जो कुटग्गी है, ब्राह्मण मंदिर या भूस्वामी द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषक मजदूर जो भूमि क्रय विक्रय के साथ प्राप्त होते थे वे क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे कुदी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा गलत है, तो गलत है आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च अधिकारी दंडानायक सेनापति नहीं होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर समाज में से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए, तो गलत कौन सा है, तो बाल विवाह पर रोक लगी थी, नहीं इस समय किसी भी प्रकार का बाल विवाह पर रोक नहीं लगी हुई थी। मंदिर में रहने वाली अविवाहित स्त्रियां क्या कहलाती थी, तो वो स्त्रियां देवदासी कहलाती थी, यानी भगवान की दासी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगरकालीन मंदिर स्थापत्य से संबंधित गलत कथन कौन सा है, तो यहाँ पे गलत कथन जो है कोई सा भी नहीं है, तो सारे के सारे ये कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। विजयनगर का प्रमुख राज्य का उत्सव क्या था, तो इसका जो राज्य का उत्सव था वो था महानवमी। और अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय से संबंधित गलत कथन, तो इनसे संबंधित गलत कथन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कथन नहीं था, तो यहाँ पे सारे के सारे कथन सही हैं। इसके बाद है हसन गंगू ने किस वर्ष बहमनी राज्य की नींव डाली हुई थी। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो वो हो जाएगा हसन गंगू। और यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो 1347 में हो जाएगा बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। इसके बाद है गलत ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है, तो चलिए देखते हैं। बीजापुर का संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर का है मलिक अहमद, बाकी ऑप्शन को देखते हैं। गोलकुंडा का है कुली कुतुब शाह, जबकि बरार का जो है आपका अली बरी दे रखा है जो कि गलत दे रखा है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गलत को चुनना है, तो गलत को चुनना है, तो यहाँ पे जो गलत है आपका कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी बीजापुर, अभी हम लोगों ने देखा, तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सब सही है। बरार का कौन है, तो इमाद शाह है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आप देख रहे थे 101 का, तो ये गलत था, जो कि अली बरी दे रखा था उसके जगह क्या होना चाहिए था, इमाद शाह दे होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा गलत है, कौन सा, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यह है आपका अहमदनगर जो कि गलत है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा था अहमदनगर का निजामशाही वंश है जो कि यहाँ पे गलत दे रखा है, तो हमारे लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 104 यहाँ पे कह रहा है बहमनी कालीन मंत्री और उसके विभाग, तो यहाँ पे कौन सा गलत दे रखा है, तो यहाँ पे जो गलत दे रखा है आपका सदरे जहाँ जो कि गृह विभाग है, इस ये कथन गलत दे रखा है, बाकी सारे के सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी कालीन मंत्री और विभाग, यहाँ भी जो है आपका वकील एक कुल, ये आपका वित्त प्रमुख हुआ करता था, यहाँ पे ऐसा दे रखा है, ये आपका गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर आदिल शाही वंश की संस्थापना किस वर्ष में होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1489 ईस्वी में, तो ऑप्शन ए राइट है।
खिलजी वंश का स्थापना कौन किया? तो इसकी स्थापना जो है महमूद शाह, खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये महमूद शाह दे रखा है यहाँ पे आपका राइट आंसर। अब हमें कमेंट करके बताइए क्या ये जो कथन दे रखा है क्या ये सही है या गलत है। तो खिलजी वंश का अगर गलत है तो सही वाला क्या है? तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, खान देश की राजधानी कहाँ थी? तो खान देश की राजधानी बुरहानपुर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है राइट है। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पे स्थापना किया था महमूद शाह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब ने सर्वप्रथम 1679 ईस्वी में किस राज्य क्षेत्र में जजिया कर वसूली का आदेश दिया हुआ था? तो ये दिया हुआ था कहाँ पे? तो मारवाड़ के क्षेत्र में। जौनपुर से संबंधित कथन दिया गया है, तो ये बताना है कि यहाँ पे कोई गलत है या सही है। तो जौनपुर की स्थापना जो है फिरोज शाह ने अपनी भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जौना खां बोलते हैं, उसकी याद में किया हुआ था। उसके बाद है जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश का स्थापना मलिक सरवर ने किया हुआ था। मलिक सरवर को मलिक उस सर्क भी कहा जाता है। उसके बाद है लगभग 75 वर्षों के शासन के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी का कब्जा हो जाता है। तो यहाँ पे सारे के सारे कथन जो दे रखा है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 में किस राज्य में हिंदू सत्ता की स्थापना किया हुआ था? तो ये किया हुआ था कश्मीर के अंदर, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है 1349 से 50 किसके द्वारा कश्मीर में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है? तो ये होती है शाहमीर के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। शाहमीर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये किया हुआ था इंद्रकोट के अंदर, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। किसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ये बहुत बार जो है आपसे पूछा भी जाता है एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद है जैन उल आबदीन से संबंधित गलत कथन पे विचार कीजिए। तो गलत कथन जो है यहाँ पे कोई सर है ही नहीं। इसने जजिया हटा दिया था, गोवध निषिद्ध कर दिया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, और श्रीमठ क्या दे रखा है, श्री भट्ट इसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। बाकी यहाँ पे गलत कथन है ही नहीं। उलर झील स्थित जैना लंका किसके कालखंड की कृति है? तो ये कृति है जैन उल आबदीन के काल की, जिनको क्या कहते हैं, इनको कश्मीर का अकबर कहते हैं। महाभारत और राज तरंगिनी का फारसी अनुवाद किसने कराया था? तो ये अनुवाद कराया हुआ था जैन उल आबदीन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल को दिल्ली में किसने शामिल किया था? तो ये शामिल किया था बख्तियार खिलजी ने, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। दिलावर खान ने मालवा को किस वर्ष स्वतंत्र घोषित किया था? तो ये किया था 1401 ईस्वी में। इसके बाद है मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया हुआ था? तो ये किया हुआ था इब्राहिम शाह ने। अब आप ये मत कहना अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है मालवा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांडू किला, हिंडोला भवन एवं दरबार हॉल का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया हुआ था हुसंग शाह ने, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाज बहादुर और रूपमती का महल निर्माण मांडू में किसने करवाया हुआ था? तो मांडू में करवाया था सुल्तान घोष शाह ने, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। जाज महल का निर्माण किसने कराया था? तो जाज महल का निर्माण कराया था गयासुद्दीन खिलजी ने। कुश्क महल का निर्माण फतेहाबाद में किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये कराया जाता है महमूद खिलजी के द्वारा। उसके बाद है अलाउद्दीन ने राजा कर्ण को पराजित कर गुजरात को किस वर्ष दिल्ली में मिला दिया था? तो ये मिला दिया था 1297 में। महमूद बेगड़ा कहाँ का शासक था ये पूछा गया है, तो महमूद बेगड़ा शासक था गुजरात का। उसके बाद है गुजरात के शासक अहमद शाह ने अपनी राजधानी पाटन से स्थानांतरित कहाँ कर दिया था? तो पाटन से कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था? तो ये कर दिया था अहमदाबाद में। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट कौन सा नगर स्थापित किया हुआ था? तो ये था आपका मुस्तफ़ाबाद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। राणा कुंभा ने किस वर्ष चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये कराया था 1448 ईस्वी में। खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच में किस वर्ष होता है? तो ये होता है 1527 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। कौन सा यहाँ पे गलत कथन है इसको चुनना है। तो गलत कथन दे रखा है आपको खान देश का मुगल साम्राज्य में मिलान 1602 में, ये गलत दे रखा है। सूफी शब्द का प्रयोग किसने किया हुआ था? तो सूफी शब्द का प्रयोग किया हुआ था
अबू हाशिम ने, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाबा फरीद की रचनाएं कहाँ शामिल हैं, तो बाबा फरीद की रचनाएं जो हैं ये गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। उसके बाद हैं शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिला का प्रारंभ किया, इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो इसका प्रमुख केंद्र था बिहार के अंदर में, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है निम्नलिखित में से कि सूफी संत ने दिल्ली में सात शासकों का कार्यकाल को देखा, तो ये देखा हुआ था निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है। उसके बाद है कौन मुगल राजकुमार कादिरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था, तो ये कौन था भाई, तो ये था दारा सिको, ऑप्शन ए। उसके बाद है फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला का कार्य क्षेत्र क्या था, तो इसका कार्य क्षेत्र था बिहार के अंदर, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अज्ञानता रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णता विलीन हो गया वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अलवार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है छठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ भारत के किस राजनीतिक क्षेत्र से हुआ था, तो ये होता है दक्षिण भारत से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी, तो वो कौन थी भाई, तो वो थी अंडाल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर किसने आया, तो ये लाने का श्रेय जो है रामानंद को है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भक्ति प्रतिपादकों में चंडीदास और उनके सहयोगी कौन था, तो उनके सहयोगी थे विद्यापति। माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय कौन सा है, तो वो संप्रदाय है द्वैतवाद। इसके बाद हैं विष्णु स्वामी द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा है, तो ये है आपका शुद्ध द्वैतवाद, ऑप्शन नंबर सी। रामानंद के शिक्षा और संप्रदायों से संबंधित कथन पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे कथन दे रखा है उस पर, उसको देखते हैं। तो रामानंद के शिक्षा दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव था, सही है। सगुण संप्रदाय जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। निर्गुण संप्रदाय जो भगवान के निराकार रूप की पूजा करता था, ये भी सही है। उसके बाद है निर्गुण के शाखा के प्रतिनिधि कबीर थे और सगुण शाखा प्रतिनिधि तुलसीदास, नाभादास, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि थे, तो ये सारे के सारे जो कथन दे रखा है ये सारे के सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गलत को चुनना है, तो यहाँ पे गलत कौन सा दे रखा है, तो यहाँ पे गलत दे रखा है आपका समकादी संप्रदाय, तो ये आपका गलत दे रखा है, बाकी सारे के सारे सही हैं। उसके बाद है समकाडी संप्रदाय के उद्भवकर्ता कौन है, तो देखिए यहाँ पे आंसर भी है इसका, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्बकाचार्य, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला कथन फिर से देखना है शंकराचार्य से संबंधित कथन को, तो उनका जन्म केरल के कलादी नामक गाँव में होता है, सही है। उसके बाद पिता शिवगुरु और माता आर्यम्बा थी, संन्यास की दीक्षा गोविंद योगी ने दिया हुआ, तो ये भी सही है। इनके द्वारा भारत के चारों कोनों पर चार पीठ की स्थापना की जाती है, सही है। इनके द्वारा सबसे पहले शारदा पीठ की स्थापना की जाती है, तो ये सारे के सारे कथन सही दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामानुजाचार्य द्वारा संचालित संप्रदाय कौन सा है, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यह आपका वैशिष्टा द्वैतवाद, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हैं शंकराचार्य किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये जो थे ये थे शैव धर्म के अनुयायी। शंकराचार्य से संबंधित कौन सा संप्रदाय था, तो ये कौन सा था, तो ये था अद्वैतवाद। बहुत बार पूछे जाते हैं ये आपका एग्ज़ाम के अंदर। अगला है रामानुज से संबंधित कथन पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे चलिए कथन को देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपका मैथ का जो है ना, मैं आपको कल करा दूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि आपको संडे को सुबह आपका मैथ आ जाएगा और उसके बाद मंडे को आपका या तो ज्योग्राफी आ जाएगा या फिर हिस्ट्री का बहुत बड़ा मैराथन आ जाएगा आपका ज्ञान बिंदु सर का, ठीक है, जिसमें कि कम्प्लीट आपका ज्योग्राफी होगा चैप्टर वाइज वो भी, और बिल्कुल एक नए एनर्जी के साथ देखेंगे, एक अलग ही मोटिवेशन के साथ देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इनका जन्म जो है, रामानुज का जन्म जो है मद्रास के निकट 1017 में पेरम्बूर में होता है, तो ये सही है, पेरम्बर में होता है, ठीक है। नाम अलग अलग जगह अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलता है। रामानुज ने वेदांत का प्रशिक्षण कांचीपुरम के गुरु यादव प्रकाश से प्राप्त किया था, ये भी सही है। इनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति का साधन भगवान विष्णु है, तो ये भी सही है। उसके बाद हैं 1137 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे सारे के सारे कथन सही हैं, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद है रामानंद का जन्म किस शहर में हुआ था, तो इनका जन्म जो है अयोध्या शहर में हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। कहीं कहीं पे देखेंगे तो आपको ये प्रयागराज जो है इलाहाबाद, वहाँ भी यह आंसर आपको मिलेगा, लेकिन इसमें जो इस पीडीएफ में जो आंसर दिया गया वो आपका अयोध्या दिया गया है। अगला है रामानंद के 12 शिष्यों में कौन नहीं था, तो इनमें से जो आप देख रहे हैं रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, साधना, ये सारे के सारे जो हैं इनके शिष्य रहे थे, बाकी इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि इनका शिष्य नहीं था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा। कबीर का जन्म कब होता है, तो कबीर का जन्म जो है ये 1440 ईस्वी में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कबीर से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ये गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। कबीर के माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू था। इसके बाद है कबीर की शादी लोई से होता है। कबीर ने निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया था, जबकि इनका मुक्त ये क्या है ये समझ में मुझे भी नहीं आ रहा है, तलवंडी में हुआ था। तलवंडी आप जानते होंगे ये कहाँ पे पड़ता है, तो पंजाब के अंदर पड़ता है। कबीरदास की मृत्यु 1510 में मगहर में हुआ था, जबकि वहाँ पे क्या दे रखा था, तलवंडी दे रखा था, इसलिए गलत था। तो ये किस सुल्तान के समकालीन थे, तो 1510 के आसपास जो है सिकंदर लोदी का शासन था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गुरु नानक से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए, तो चलिए तो यहाँ पे जो गलत कथन है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे तलवंडी में हुआ था, और यह ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। और अब ये जो तलवंडी है ना ये पंजाब में है, वो वाला पंजाब जो कि पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, तो ये कथन सही है। उसके बाद इनके पिता का नाम कालूराम मेहता और माता तृप्ता देवी और पत्नी सुलक्षणी देवी थे, सही है। इन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया और इसको उदासीन कहा गया, तो ये भी सही है। तो सारे के सारे कथन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुआ था, इनके द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी कौन था। यहाँ पे जो है मृत्यु के बारे में पूछा गया है, जबकि पिछला क्वेश्चन में आपका जन्म के बारे में था, तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा कौन था उत्तराधिकारी, तो गुरु अंगद देव, जिसको लैना भी बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चैतन्य स्वामी से संबंधित गलत कथन को चुनना है, तो इनके संबंधित जो कथन है वो कौन सा गलत है, तो ये है आपका ऑप्शन डी गलत है। इनका जन्म 1486 में होता है, कहाँ पे, तो बंगाल के मायापुर गांव में होता है। इनके पिताजी का नाम जगन्नाथ और माता का नाम सची देवी था, ये तीनों के तीनों कथन सही है। चैतन्य स्वामी को किस वर्ष दीक्षा मिली थी, तो इनको दीक्षा मिलता है 1510 ईस्वी में, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चैतन्य स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो होती है वो 1533 ईस्वी में होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। श्री वल्लभाचार्य से संबंधित गलत कथन को चुनना है, तो कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे गलत कथन कोई सा भी नहीं है। इनका जन्म जो है 1479 ईस्वी में होता है, कहाँ पे, तो वाराणसी, वहाँ पे एक छोटा सा जगह है चंपाख्या। पिता लक्ष्मण भट्ट और माता सल्लम गुरु था, इनके द्वारा बताया गया मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है, तो ये सारे के सारे सही है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये पूछा भी जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। विट्ठलनाथ को गोकुल और जैतपुरा की जागीर किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो ये प्रदान किया गया था अकबर के द्वारा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तुलसीदास का जन्म बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास जो समकालीन थे ये अकबर और राणा प्रताप के समकालीन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई से संबंधित कथन पर विचार करना है, तो यहाँ पे इनका जन्म 1498 में मेड़ता जिला के चौकारी में हुआ था, तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। इनकी शादी 1510 में राणा सांगा के बड़े भाई युवराज भोजराज के साथ होता है, और इनकी मृत्यु जो है 1546 ईस्वी में द्वारका में होती है। अच्छा द्वारका बताइएगा कहाँ पर है, किस राज्य में, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सा भी कथन जो है गलत नहीं है, तो यहाँ पे सारे के सारे कथन सही है, तो ऑप्शन डी हमारे लिए राइट हो जाएगा। रैदास से संबंधित कथन पर विचार करना है जो कि गलत हो, तो चलिए देखते हैं रैदास जी के रिलेटेड कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे ये जाति कौन से थे, तो चमार जाति से आते थे, और इनके पिता रघु और माता का नाम घुरा बेनिया था, ये भी सही है। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना किया हुआ था, ये भी सही है। तो यहाँ पे कोई सा भी कथन गलत नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दादू दयाल से संबंधित कथन पे विचार करना है,
तो चलिए इसको देखते हैं। और इसमें इस तरह से ऑप्शन को सेट किया गया है कि आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कथन की बात करूँ तो यहाँ भी कोई सभी कथन गलत नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारे के सारे कथन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादू दयाल ने न्यूयॉर्क नामक आंदोलन प्रारंभ किया था, इनको किस शासक द्वारा धार्मिक चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था? तो इनको किया गया था अकबर के द्वारा आमंत्रित किया गया था। ठीक है, अकबर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, इकलौता वैष्णव संत कौन था जो मूर्ति के रूप में कृष्ण के पूजा का विरोधी था, यानी वो नहीं चाहते थे कि कृष्ण जी का पूजा हो मूर्ति के रूप में, तो ये कौन थे भाई? तो ये थे शंकर देव, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है, बाबर से संबंधित कथनों पे विचार कीजिए। तो बाबर रिलेटेड यहाँ पे सारे के सारे कथन देखते हैं। चलिए, वैसे भी आपको पता होगा कि बाबर में बहुत पावर था, पावर क्या ये घंटा था, बस वही था उनके पास, आधुनिक हथियार थे इस कारण से वो पावरफुल था। तो इसका जन्म जो है 1483 ईस्वी में फरगाना में हुआ था, ये सही बात है। और इनका पिता उमर शेख फरगाना के शासक थे। यह 11 वर्ष की अवस्था में 8 जून 1494 को फरगाना की गद्दी पर बैठा, ये भी कथन सही है। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण किया होता, ये भी सही है। पानीपत के युद्ध में इसने तुलगनामा रण पद्धति युद्ध का प्रयोग किया हुआ था, ये बड़ा पूछा जाता है आपको कभी कभी, ये आपको बड़ा पूछा जाता है। उसके बाद हैं उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के दो निशानेबाज थे, ये सारे के सारे कथन जो हैं सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद हैं हुमायूं का कोहिनूर हीरा किस राजा से प्राप्त हुआ था? तो ये कोहिनूर हीरा जो प्राप्त हुआ था, यहाँ पे ऐसा कोई भी राजा नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पूछ रहे हैं कि बाबर रिलेटेड ऐसा कौन सा कथन है जो कि गलत है, तो यहाँ पे कोई सा भी कथन नहीं है जो गलत है, सारे कथन सही हैं। बाबर अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण किया होता बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक टैक्स से मुक्त कर दिया था, और बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया हुआ था, और खानवा के विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण किया था, ये सारे के सारे कथन सही है, ऑप्शन डी आपका यहाँ हो जाएगा। चलिए, सुमेलित करना है, बाबर रिलेटेड युद्ध है, कौन सा कवि युद्ध होता है? तो यहाँ पे चलिए सुमेलित अगर करें तो कौन सा, तो आप देख रहे हैं पानीपत का युद्ध 1526 में होता है, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का 28 में, और घाघरा जो है ये आपका गलत दे रखा है। ठीक है, अब आप कमेंट करिएगा कि घाघरा का युद्ध कब होता है, क्योंकि 1530 में तो बाबर क्या होता है, टपक जाता है, तो बाबर की मृत्यु कब होती है ये पूछ रहा है, तो बाबर की मृत्यु होती है 1530 में, लेकिन वो डेट क्या है, तो 26 दिसंबर। ठीक है, 4 दिन और रुक ही जाता तो नया जो कैलेंडर आता उसमें मरता। अगला देखिए, बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर को दफनाया गया था काबुल के अंदर, यानी ये एक ऐसे शासक था जिसको कि दो बार दफनाया गया था। एक और कोई शासक था उसके बारे में बताइएगा कि एक और कौन शासक था जिसको कि दो बार दफनाया गया था। तो ये इनको पहले तो आगरा में दफनाया गया, दैन फिर कहाँ पे, काबुल में दफनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाबर से संबंधित गलत कथन कौन सा है ये पूछ रहा है, तो बाबर से संबंधित यहाँ पे सारे के सारे जो कथन है वो सही है। बाबर की मातृभाषा टर्की था, इसने अपनी आत्मकथा बाबर नामा की रचना तुर्की वही टर्की भाषा में किया हुआ था, तो ये पूरा पहला सही है। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको अरबी और फारसी में परिवर्तित किया हुआ था, और बाबर को मुंबईन पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सारे कथन सही हैं, ऐसा एक भी कोई गलत नहीं है। हुमायूं से संबंधित कथन दिया हुआ है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ, हुमायूं 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठता है, जैसे ही बाबर का मृत्यु होता है हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है, ये सही बात है। उसके बाद गद्दी पर बैठते समय बदखा का सूबेदार था, तो ये भी सही है। इसके बाद 1537 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नवीन नगर की स्थापना किया हुआ था, ये भी सही है। और 1547 को शेर खां एवं हुमायूं के बीच में, वही शेर खां कौन है, शेर शाह जब जीत जाता है, तो यहाँ पे चौसा का युद्ध हुआ, तो ये भी सही है। ठीक है, शेर खां वही शेर शाह। तो उसके बाद पाँचवा कथन है, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 1540 को हुआ था, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, गलत है। बाकी 1 2 3 4 ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं राइट दे रखा।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गलत को चुनना है, तो देवरा का युद्ध 31 में, चौसा का युद्ध 39 में हुआ है, 1539, तो यहाँ पे गलती कौन सा है, बी ही गलती है। बिलग्राम का 40 में, सरहिंद का 1555-56 में होता है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको भी सही कर दिया, आंसर बी दे रखा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का कौन सा गलत है, तो इसको हमें क्या करना है, मैथ ये चुनना है, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सरहिंद का युद्ध दे रखा है 1536, अभी अभी बताया मैंने 1536 ये नहीं है, तो कितना है, तो 1555-56 के आसपास का युद्ध है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से हुमायूं हार जाता है, देन फिर कौन आता है, अकबर आता है, जो कि गद्दी पे बैठता है, वो 14 साल की उम्र में अमरकोट में उसका जन्म होता है। चलिए हुमायूं की रचना किसने किया था, तो हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम के द्वारा की जाती है। शेर शाह का जन्म किस वर्ष होता है, तो शेर शाह का जो जन्म होता है वो होता है 1472 ईस्वी में, ऑप्शन सी। शेर शाह की मृत्यु किस आग्नेय शास्त्र के कारण हुआ था, तो शेर शाह की जो मृत्यु होती है वो उक्का के कारण होती है, ऑप्शन सी। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो ये बनता है इस्लाम शाह सूर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शेर शाह सूरी द्वारा जारी चांदी का सिक्का के दाम के विनिमय का अनुपात क्या था, तो इसके विनिमय का जो अनुपात था वो था 1:64, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसके द्वारा रखा गया था, तो ये रखा गया था शेर शाह सूरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे मुगल शासन में प्यार से खानी बाबा कहा गया, तो खानी बाबा कहा गया था बैरम खान को, बैरम खान जो कि संरक्षक था किसका, अकबर का। तो अकबर का जन्म कब होता है, तो अकबर का जन्म जो है 1542 ईस्वी में होता है, अमरकोट के अंदर, 1542 हो जाएगा, इसको सही कर लीजिए, सारा का सारा गलत दे रखा है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि इस पीडीएफ के अंदर ज्ञान बिंदु सर का बहुत सारा गलती दे रखा है, तो उस क्रम में क्या होता है कि कई बार गलती यहाँ भी बता जाता हूँ, तो आप उसको सही करके हमें भी कमेंट कर दिया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 190, बैरम खां की मृत्यु कब और कहाँ होता है, तो बैरम खां की जो मृत्यु होती है वो 1561 ईस्वी में पाटन में होता है, पाटन का है तो गुजरात के अंदर है। पानीपत की तीसरी लड़ाई अकबर तथा हेमू के बीच में, पानीपत की तृतीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में ये कह रहा है, तीसरी लड़ाई होता है कब, 1761 में, तो वहाँ पे अकबर कैसे आ जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे लैंग्वेज में गलती दे रखा है, तो ये द्वितीय लड़ाई होगा, तृतीय नहीं होगा, ये द्वितीय लड़ाई होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये कब होता है, तो 5 नवंबर 1556 हो जाएगा, ये द्वितीय लड़ाई हो जाएगा, ठीक है। हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप की तरफ से सेनापति कौन था, उस टाइम जो सेनापति था वो था हकीम खां शूर, ऑप्शन बी। महाराणा की मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु जो है 19 जनवरी 1597 को होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है, राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, बहुत बार ये पूछ लिए जाते हैं, तो हाथी का नाम क्या था, उनके हाथी का नाम था राम प्रसाद, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था, तो इसका प्रधान पुरोहित अकबर था। इसके बाद है, दीन इलाही को अपनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था, तो इसको अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति था बीरबल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आपने भी बहुत सारी कहानियाँ सुना होगा अकबर बीरबल के, तो यही वो बीरबल हैं जिसकी कहानियाँ आप पढ़ते हैं चतुराई वाले। बीरबल के बचपन का नाम क्या था, ये भी पूछे जाते हैं बहुत बार, तो इसके बचपन का नाम था महेश दास, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दिया जो जैन का साधु था, तो ये कौन थे भाई, तो ये था हरि विजय सूरी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, कौन, हरि विजय सूरी, ठीक है। और बीरबल के बचपन का नाम महेश दास। राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ किया गया था अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो ये चित्रकार था अब्दुल समद, जो कि अकबर के दरबार में था, औ से अकबर औ से अब्दुल समद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के दरबार में राजकवि कौन था, तो वो राजकवि था फैजी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद आपको कमेंट करना है कि अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे, ये भी पूछे जाते हैं, तो आपको कमेंट करना है। अगला है सुमेलित करना है, यानी कौन सा गलत है, तो यहाँ पे अगर मैं गलत वाले की बात करूँ तो ये गलत है आपका मान सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी, गुजरात
1571 मान सिंह, ये आपका गलत है, उस टाइम सेनापति मान सिंह नहीं था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे गलत कौन है, तो गलत है आपका सिंध। सिंध का 1593 में सेनापति जो है स्वयं अकबर नहीं था, ठीक है। बाकी सारे के सारे, कश्मीर का सेनापति भगवान दास, कंधार का शाह बेग, उड़ीसा का मान सिंह, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 204। यहाँ पे पूछ रहा है कि कार्य और उसके वर्ष कौन सा गलत है, तो यहाँ पे अगर मैं गलत की बात करूँ तो ये है आपका सी नंबर गलत है। धर्म यात्रा कर बंद कर दिया गया कब, तो 1564 में, तो ये गलत दे रखा है, बाकी सारे के सारे सही है। मजहर की घोषणा 1579 में होता है, दास प्रथा पर प्रतिबंध ये 1562 में होता है, पेटीकोट शासन प्रतिबंध ये भी आपका जो है 1562 में होता है। इसके बाद यहाँ पे डेट दे रखा है और कुछ काम दे रखा है, तो उसके रिलेटेड ये कौन सा सही है कौन सा गलत है ये चुनना है। तो गलत जो है आपका इबादत खाने की स्थापना, ये गलत है। 1565 ना हो के कितना हो जाएगा, 1579 के आसपास है शायद, कंफर्म नहीं हूँ मैं, सो आप इसको ज़रूर एक बार गूगल कर लीजिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जबकि दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में होता है, इलाही संवत की स्थापना 1583 में, लाहौर का राजधानी बनाया जाता है 1585 में। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो राजधानी आगरा स्थानांतरण यहाँ पे कह रहा 1572, जो कि यहाँ पे गलत आंसर दे रखा है, ठीक है। बाकी सारे काम जो हैं वो बिल्कुल इसी डेट पे होते हैं। जजिया कर समाप्त किया जाता है कब, तो 1564 में किया जाता है, जबकि ऊपर ऑप्शन दे रखा था 1565 में। इबादत खाने की स्थापना कब होती है, तो 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश कब किया जाता है, तो ये 1578 में किया जाता है, ठीक है। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार में कौन था, तो ये दोनों के दोनों जो थे ये चित्रकार थे, जबकि अब्दुल समद का भी नाम आपने सुना, वो भी चित्रकार थे। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसे प्राप्त हुआ, तो ये उपाधि जो है तानसेन को मिला हुआ था, ठीक है। जो कौन थे, तो संगीतज्ञ थे इनके दरबार में। इसके बाद हैं अकबर के शासन प्रणाली की विशेषता क्या था, तो इनके शासन प्रणाली की विशेषता था मनसबदारी प्रथा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अकबर के नवरत्नों में कौन नहीं था, तो आपने पढ़ा होगा बैट बैट MDH, बैट इसको दो बार MDH, ठीक है। बी फॉर बीरबल, ए फॉर अब्दुल रहीम, सी फॉर तानसेन, इस तरह करके। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा नवरत्नों में शामिल नहीं है, तो नवरत्नों में शामिल जो है ये आपका फैजी नहीं था, बरकतुल्ला भी नहीं था, बाकी सारे के सारे जो हैं ये इनके मतलब नवरत्नों में शामिल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब्दुल फजल ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो इसने किया हुआ था अकबरनामा की। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, तो ये होता है 1576 में, लेकिन डेट भी दे रखा है, तो ये होता है आपका 18 जून 1576 में। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे, तो वो कौन थे, तो भाई ये आपका शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अकबर ने उमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी थी, तो ये उपाधि दिया गया था किसको, तो मान सिंह को दिया गया था। यूसुफ जाइयों की विद्रोह दबाने में किसकी मृत्यु हो गई थी, तो ये हो गई थी बीरबल की मृत्यु हो गई थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर दे रखा है। अगला है कि वीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या की थी, तो इसने हत्या किया हुआ था अबुल फजल का, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। किस महाकाव्य की फारसी में अनुवाद रज्जनामा कहलाता है, तो ये रज्जनामा जो है आपका महाभारत का क्या है, फारसी अनुवाद है रज्जनामा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किसके काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के काल में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। जहांगीर का जन्म कब हुआ था, तो जहांगीर का जो जन्म होता है वो आपका 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में होता है। न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी, तो ये भी जहांगीर ने ही लगवाया था न्याय की जंजीर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तुजुक ए जहांगीरी को किसने पूरा किया हुआ था, तो ये किया हुआ था मौतबिंद खान ने, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नूर जहां ईरानी की निवासी ब्याग ग्यास बेग की पुत्री, इसका वास्तविक नाम क्या था, तो ग्यास बेग की पुत्री का वास्तविक नाम जो था वो था मेहरुन्निसा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जहांगीर का काल किसका स्वर्ण काल था, तो ये चित्रकला का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है, माफ करेगा चित्रकला, एक मिनट,
हाँ यहाँ पे आपका राइट क्या हो जाएगा, चित्रकला का आपका स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया हुआ था, तो ये निर्माण करवाया हुआ था नूरजहाँ ने, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शाहजहाँ ने महावत खां को कौन सा पद दिया था, तो महावत खां को पद दिया था खाने खाना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर के शासनकाल में 1605 में तंबाकू की खेती प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था डेनिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शाहजहाँ की माँ का क्या नाम था, तो इसके माँ का नाम था जगत गोसाई, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस मुगल शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया हुआ था, तो ये किया हुआ था अकबर ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो इसका अनुवाद किया हुआ था टोडरमल ने, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, तो मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन सा था, तो ये कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसको क्या कहते हैं, वास्तुकार कहते हैं, किसका, ताजमहल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहाँ काल में निर्मित मयूर सिंहासन का निर्माता कौन था, तो मयूर सिंहासन का निर्माता था बेबादल खां, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्थापत्य का स्वर्णकाल किसके कालखंड को कहा गया है, तो ये कहा गया है शाहजहाँ के काल को, शाहजहाँ के काल को स्थापत्य काल का स्वर्णकाल, ठीक है, जबकि जहांगीर के काल को चित्रकला का, ठीक है, और अकबर का, अकबर के काल को क्या बोलते हैं बताइएगा, बताया था थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन है, सिर ए अकबर किस महाकाव्य का अनुवाद है, तो सिर ए अकबर जो अनुवाद है ये है आपका उपनिषद का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, सी राइट हो जाएगा। आपको बताना है कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट का। दारा और औरंगजेब के बीच में धर्मठ का युद्ध कब हुआ था, तो ये धर्मठ का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। दारा और औरंगजेब के बीच में सामुरगढ़ का युद्ध कब हुआ था, तो ये युद्ध होता है 29 मई 1658 ईस्वी को। इसके बाद है, शाह इकबाल बुलंद के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दारा सिको को। औरंगजेब का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो औरंगजेब का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 दोहाद गुजरात के अंदर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। औरंगजेब की बीवी दिलराश बानो बेगम किस घराने से आती थी, तो ये आती थी फारस घराने से, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। औरंगजेब के गुरु कौन थे, तो औरंगजेब के जो गुरु थे वो थे मीर मोहम्मद हाकिम, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। औरंगजेब सुन्नी धर्म मानता था, तो इसे क्या कहा गया, तो इसे कहा गया था जिंदा पीर, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है बार बार। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा था, तो इनको जो है कैद करके जयपुर भवन के अंदर रखा हुआ था, ठीक है, ये भी पूछा गया है। इसके बाद है, जजिया कर औरंगजेब ने पुनः कब लगाया था, जो कि अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, तो ये जजिया कर लगाया गया था 1679 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है, जजिया कर की भारत में अंतिम समाप्ति किसने की, तो ये मोहम्मद शाह के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में कहाँ करवाया था, तो ये करवाया था कहाँ पे, तो औरंगाबाद के अंदर महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 1670 में तिलपत की लड़ाई में मुगलों से कौन लड़ा था, तो मुगलों से कौन लड़ा था, तो ये था जाट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर किसका चिकित्सक था, तो ये चिकित्सक था औरंगजेब का, ऑप्शन यहाँ पे कौन सा, तो डी राइट हो जाएगा। मुगल शासन में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, मंत्री परिषद को विजारते कहा जाता था। मुगल शासन में दीवान के पद पर सर्वाधिक समय तक कौन रहा, तो दीवान के पद पर असद खान रहा। इसके बाद है, मुगल शासन में किस पत्र पर मीर बख्शी के हस्ताक्षर के पश्चात सेना को प्रतिमाह वेतन मिलता था, तो ये था कौन, तो सरखत था। उसके बाद है, मुगल काल में सोने का सिक्का क्या था, तो सोने का सिक्का जो है वो था इलाही। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में सोने का गोलाकार का सिक्का क्या कहलाता था, तो वो कहलाता था संसब, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में दरब चरण चंदन दह कल वो सूखी सभी किसके सिक्के होते थे, तो ये सारे के सारे जो हैं सिक्के चांदी के होते थे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है, मुगल कालीन
सैन्य व्यवस्था पूर्णतः किस पर आधारित था? तो ये आधारित था मनसबदारी पर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था शिवाजी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी दे रखा है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी ने सर्वप्रथम 1644 में किस पर कब्जा किया हुआ था? तो इन्होंने सर्वप्रथम जो है तोरण के ऊपर, तोरण का जो किला था उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था। रुपया व जलाली किसके सिक्के थे मुगल शासनकाल में? तो ये था आपका चांदी का सिक्का। पुरंदर की संधि कब होती है? तो पुरंदर की संधि होती है 1665 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा गया? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा गया है, जो कि पूछा जाता है, जबकि जो अष्ट दिग्गज देख रहे हैं ये आपका कृष्णदेव राय के जो विद्वान हुआ करते थे उनको कहा जाता था। शिवाजी को तोपे किससे प्राप्त हुई थी? तो शिवाजी को तोप मिला हुआ था अंग्रेजों से। शिवाजी की कर व्यवस्था किसके कर व्यवस्था पर आधारित थी? तो ये था आपका मलिक अंबर के कर व्यवस्था पर आधारित था। साहू और ताराबाई के बीच में खेड़ा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1707 ईस्वी में। इसके बाद है 1750 के किस संधि के बाद मराठों के हाथ से सर्वाधिकार पेशवाओं के हाथ में सुरक्षित हो गया था? तो ये था सगोली की संधि या सगोला की संधि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? तो ये होता है आपका 1761 ईस्वी में, जबकि दूसरा होता है 1556 में। आपको बताना है कि प्रथम युद्ध कब होता है और किन के मध्य में होता है। अगला क्वेश्चन है सूरत की संधि कब हुई थी? तो सूरत की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1775 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है बड़गांव की संधि कब अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में होती है? तो ये होती है आपका 1779 ईस्वी में। अंग्रेज़ और मराठा के बीच में सालाबाई की संधि कब होती है? तो ये सालाबाई की जो संधि है 1782 ईस्वी में होती है। इसके बाद है देवगांव की संधि अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1803 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हो जाता है? तो ये समाप्त हो जाता है सालाबाई की संधि 1782 में, ठीक है। इसके साथ जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ होती है? तो ये होती है आपका देवगांव की संधि 1803 में। ये भी पूछा जाता है कि देवगांव का संधि कब हुआ? तो ये होता है आपका 1803 में, ठीक है, जबकि बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने पेशवा पद समाप्त कर दिया था? तो ये कर दिया था आपका कोरेगांव के युद्ध के बाद। इसके बाद है अंग्रेज मराठा मंदसौर की संधि कब होती है? तो अंग्रेज और मराठा के बीच में मंदसौर की जो संधि होती है ये 1818 ईस्वी में होती है। अब यहाँ पे जो हमारा मध्यकालीन भारत है वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके बाद मैं आपके लिए मैथ का मैराथन लेकर आऊँगा, फिर आपके लिए एक ज्योग्राफी का बिल्कुल चैप्टर वाइज आपके लिए बहुत बड़ा मैराथन लेकर आऊँगा, जो कि एक फुल एनर्जी के साथ में आप बैठ जाइएगा और बिल्कुल अच्छे से करेंगे उसको, और जो आपका एग्ज़ाम है उसको पूरी तरह से तोड़ फोड़ के रख देंगे हम लोग। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।